नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना एयरपोर्ट पर टेंशन हाई है। टेंशन इस मायने में हाई है क्योंकि आप एक भीड़ दे सकते हैं। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कितनी भीड़ पटना एयरपोर्ट पर लगी हुई है। दरअसल कोरोना का वक्त है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर जो मूवमेंट है, वो गतिविधियाँ हैं, वो काफ़ी तेज है और दिन भर यही आलम रहता है, यही भीड़ यात्रियों की रहती है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर प्रतिदिन, यानी कहें कि हर दिन 48 फ्लाइट्स की मूवमेंट पटना एयरपोर्ट पर होती है और जो भीड़ है उसका आलम देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहां पर है ही नहीं और जो लोग जा रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं कि खतरे को अपने ताक पर रख कर जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ फॉलो होता नहीं है और हो सकता भी नहीं है, क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ रहती है पटना एयरपोर्ट पे। आप जहाँ तक तस्वीरों में देख रहे होंगे वहाँ पर लाइन दिख रहा है, और एक लाइन नहीं है, दो तीन चार लाइन जो हैं वो पटना एयरपोर्ट्स पर लगातार दिख रहा है। कहाँ जा रही हैं आप? जी, मैं मलमलिया से आ रही हूँ। डर लग रहा है, इतनी भीड़ पटना एयरपोर्ट के बाहर है और अंदर तो इससे भी ज़्यादा भीड़। जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आपको? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। कोरोना का कोई डर नहीं लग रहा? अभी कोई डर नहीं, अपना सेफ्टी के साथ हम लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ और यात्रियों से भी बात कर लेते हैं। इतनी भीड़ पटना एयरपोर्ट पे डर लग रहा है थोड़ा भी? थोड़ा थोड़ा। अंदर जो है वो भीड़ जो है वो ज़्यादा है और दिन भर यही आलम रहता है पटना। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। आप बताइए, आपको लग रहा है? नहीं, प्रिकॉशन रखे, कोई डर नहीं है। वो तो नहीं होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? हम कुछ नहीं बोल रहे सर। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है पटना एयरपोर्ट पर वो काफ़ी है, और एक दो लाइन नहीं, अगर हम आगे चले तो कई लाइन लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। कुल 88 फ्लाइट्स की मूवमेंट प्रतिदिन यहाँ पर होती है। हम पीछे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर भीड़ जो है पटना एयरपोर्ट पर कितनी है। डर लग रहा है? भीड़ बहुत ज़्यादा है, अंदर सिक्योरिटी चेक्स में तो और भी भीड़ है। हाँ, तो क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? हम क्यों डरेंगे? ये देखिए, लोग जो है वो आदि हो चुके हैं इस भीड़ का सामना करने के लिए, और दिन भर यही मूवमेंट जो है पटना एयरपोर्ट पर नज़र आती है, जहाँ पर यात्री जो हैं इसी तरीके कमोबेश लाइन में। देखिए, ये तीन चार लेयर जो है वो लाइन लगी हुई है यात्रियों की, और इसी तरीके से जो यात्री हैं वो यात्रा करते हैं पटना एयरपोर्ट पर। सुबह से लेकर रात तक यही जमावड़ा, यही लाइन लोगों की लगी रहती है अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ पटना एयरपोर्ट पर है। दरअसल आपको बता दें, कुल 88 फ्लाइट्स की मूवमेंट प्रतिदिन पटना एयरपोर्ट्स पर होती है, और कोरोना का वक्त है, लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो किया नहीं जाता। दरअसल जो लोग हैं वो इसी तरीके से हर दिन पटना एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं और अपने फ्लाइट्स को पकड़ते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। कुछ युवा हैं, हम उनसे ही बात कर लें। काफ़ी भीड़ है पटना एयरपोर्ट? हाँ, बहुत देर देख रहा हूँ मैं, बहुत दिनों से बहुत भीड़ लग रही है, क्योंकि ये वेडिंग के वजह से इसलिए भीड़ लग रही है। वेडिंग एक वजह हो सकती है भीड़ की, लेकिन इसे वजह कई और भी कारण हैं। हम कुछ लगातार यूथ से ही बात कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है पटना एयरपोर्ट? नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा है आंटी पटना एयरपोर्ट? ठीक ठाक है, भीड़ ज़्यादा है सर। इसमें थोड़ा मतलब कि सही जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के अंदर में इतने मतलब कि नज़दीक में लोग चल रहे हैं, इतना काफ़ी भीड़ है, तो थोड़ा मतलब कि अच्छे तरह से इसको बनाया जाए, बताओ। हैं, चलिए, फिलहाल हमने आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई, आखिर दिखाया कि कितनी भीड़ हर दिन पटना एयरपोर्ट पर रहती है। बीते एक हफ्ता से पटना एयरपोर्ट पर यही आलम है। जो यात्री हैं वो उनकी संख्या जो है पटना एयरपोर्ट के बाहर वो काफ़ी रहती है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन जो लोगों की आवाजाही है, जो मूवमेंट है, वो काफ़ी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। यही वजह है कि लोगों की भीड़ देखते बन रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।